हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, फिर से मैं आप लोगों के सामने रिवीजन टेस्ट लेकर आया हूं कक्षा 9वीं का विषय हिंदी। आज आप लोगों को पता है कि 23 नवंबर 2020 से आज आप लोगों का हिंदी का पेपर था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं इस पर 9वीं के पूरे पेपर डालते हैं, वो भी एक ही वीडियो में। तो मैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीट आप लोगों को बताऊंगा कि प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 22 तक हैं, यानी 23 तक जितने भी प्रश्न आपके हैं उसके पूरे उत्तर मिलेंगे आप लोगों को इस वीडियो में। पहले मैं आप लोगों को बता दूं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा मकसद केवल ना तो मेरा मकसद है कि पेपर को लीक करवे, क्योंकि कई होते हैं कि वो पेपर को लीक कर रहे हैं, जैसे कि ये एक तरफ सोचा जाए तो एक लीक तो ही हो रहा है पेपर। तो मेरा मकसद ना तो लीक करने का है, ना ही मेरा मकसद कोई पैसा कमाने का कि आप लोगों से पैसा लें तब मैं वीडियो बनाऊँ, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरा मकसद। मेरा मकसद केवल है क्या, मेरा मकसद है सिर्फ सभी बच्चों की मदद करना। जो बच्चे हैं, जैसे कि जो बच्चे वीक हैं, उन बेचारों को ना ही तो ढूंढना पाना ना ढूंढ पाना है, ना उसे ना कुछ कर पाना, इसलिए मेरा मकसद है सभी बच्चों की मदद करना। लेकिन यह भी सोचा जाए तो ये नकल के जरिए में नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार भी सोच रही है कि बच्चे अच्छे से पास हो जाएँ अच्छे नंबरों से, इसलिए वो घर पर ही पेपर दे रहे हैं। तो मैं भी इसी प्रकार से आप लोगों को पेपर घर पर आता है तो मैं उससे देख देख कर ढूंढ ढूंढ के बना लेता हूं। मैं अपने भाई की कॉपी है तो मैं इसी प्रकार से आप लोगों को दिखा देता हूं। तो चलिए वीडियो लंबा नहीं करते, पहले आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर लिखवाते हैं सही विकल्प। ओके, तो चलिए शुरू करता हूं आज का ये वीडियो। तो आप लोगों के सामने प्रश्न क्रमांक 1 का ये उत्तर रहा, आप लोगों को देख लीजिए यहाँ पर, जिस प्रकार से आप लोग देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर सही विकल्प। तो आप लोगों को सही विकल्प आप लोगों के सामने भी हो गए, तो आप लोग उत्तर में जिस प्रकार से मेरा लिखा है उसी प्रकार से आप लोग भी लिख सकते हो, कोई भी किसी भी प्रकार नंबर नहीं कटेगा। यहाँ पर आप लोगों को पहले का बा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की, दूसरा का सा है मुख्य व्यक्ति, तीसरे का सा है 103, चौथे का आ है 2, पाँचवें का है द अनुप्रास अलंकार। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर सही स्थान, यानी खाली स्थान भरना आप लोगों को यहाँ पर। तो खाली स्थान में आप लोगों को भरना है क्या, प्रश्न पहले में भरना आप लोगों को 8, दूसरे में भरना है दिगु, तीसरे में भरना है सम, चौथे में भरना है भार वाहक, पाँचवें में भरना है परमात्मा। ओके, परमात्मा इस प्रकार से आप लोग भर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ मैं, तो आप लोग इस प्रकार से वीडियो को रोक लीजिए और अच्छे से मैंने टिक लगा दिए, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, प्रश्न क्रमांक 3 की ओर सही जोड़ी। तो आपके सामने सही जोड़ी भी होंगी अगर आपके प्रश्न पत्र में, तो देख लीजिए यहाँ पर सही जोड़ी। पहले मैं आप लोगों को मैंने लिखा नहीं है, इस प्रकार से भी लिख सकते हो, इसमें भी नंबर मिलेंगे। अगर आप अपने हिसाब से लिखना चाहते हो तो उसमें भी नंबर मिलेंगे। तो सही जोड़ी पहले में भरना आप लोगों को क्या, ऋषि मुनियों सी। दूसरे में सही जोड़ी मिलाना आप लोगों को, दूसरी की सही जोड़ी मिलाना है 16,7000 फिट। तीसरे की सही जोड़ी मिलाना है पक्ष विपक्ष। पाँचवें की सही जोड़ी मिला, चौथी की जोड़ी मिलाना है स्वाभाविक रूप से कमजोर। पाँचवें की जोड़ी मिलाना है रामधारी सिंह दिनकर। ओके, इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक कर आराम से सही जोड़ी मिला लीजिए। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। यहाँ पर आप लोगों के सामने ये उत्तर दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोगों को लिखना है। पहले में आप लोगों को एमक अलंकार, दूसरे में लिखना है महाकाव्य के 2 ठग्गा। तो पहले का मैं पहला महाकाव्य रामचरितमानस, इसके लेखक को तुलसीदास। दूसरे का है कामायनी, इसका लेखक जयशंकर प्रसाद। तीसरे में उर्दू लिखना है, चौथे में गोवर्धन पर्वत का, पाँचवें भरना है अत्यंत सीधापन। ओके, इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर है आप लोगों के सामने ये रहा, आप लोग लिख लीजिए, मैं बोलता जाऊँ आप लोग वीडियो को रोक कभी लिख सकते हो, बोल रहा हूँ तो लिख सकते हो। काजी हाउस वह स्थान है जहाँ पर आवारा पशुओं को कैद करके रखा जाता है, उसे बंद जानवरों का जीवन हीरा और मोती ने बचाया था। उसे बंद जानवर थे उनका जीवन किसने बताया था, हीरा और मोती ने। इस प्रकार से आप समझ लीजिए। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। तो 6 का आप लोगों को अथवा का उत्तर लिखना है, जिस प्रकार से मैं यहाँ पर पढ़ते जा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लीजिए, या स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। बढ़ते हम 6वां का उत्तर। कावित्री ने ईश्वर को सर्वव्यापी बताते हुए उसे हर जगह पर व्याप्त करने वाला कहा है, यानी प्राप्त करने वाला कहा है। वास्तव में ईश्वर का वास हर प्राणी के अंदर है, परंतु मत मंत्रों यानी मंत्र मंत्रारों के चक्कर में पड़कर अज्ञानता के कारण मनुष्य अपने अंदर से बसे प्रभु को नहीं पहचान पाता। इसमें कावित्री कह रही हैं कि सबके अंदर ही
परमात्मा का वास है, लेकिन हम लोग मंत्र मंत्राओं के चक्कर में फंस के अपनी अज्ञानता को नहीं पहचानते। ओके, तो आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लीजिए, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 7 में आप लोगों को एक वाक्य लिखना है यहाँ पर, तो आप लोग एक वाक्य में जो उत्तर है हमारा, मुझे मेले में घूमना अच्छा लगता है। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 8 का 8वां का उत्तर है, इसमें लिखा है प्रदूषित जल से स्वास्थ्य प्रभाव पर क्या वो पड़ते हैं, प्रदूषित जल से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, लिखिए। तो हमने यहाँ पर लिखा है प्रदूषित जल से स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, हिपेटाइटिस, हैजा, पेशियस तथा टाइफाइड आम जल जनित रोग होते हैं, यानी इन जे रोग होते हैं जिसमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बहुसंख्यक लोग प्रभावित होते हैं, यानी जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बहुसंख्यक लोग भी प्रभावित होते हैं। प्रदूषित जल के संपर्क में अतिसार, त्वचा संबंधी रोग, श्वास समस्या तथा अन्य रोग हो जाते हैं। ये सब रोग होने के कारण सिर्फ प्रदूषित जल ही है। ओके, इस प्रकार से आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 9 में आप लोगों को पर्यायवाची लिखना है, तो आप लोग होशियार भी हो और आप लोगों ने लिख लिया भी होगा, नहीं लिखा हो तो लिख लीजिए। जल का पर्यायवाची, सॉरी यहाँ पर पानी और यहाँ पर नीर है, यहाँ पर रा बनाना है नीर। ओके, इस प्रकार से बादल का मेघ आसमान, सूर्य का सूरज रवि, हवा का पवन वायु। ओके, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर, संधि विक्षित, यहाँ पर आप लोगों को संधि विक्षित करना है, प्रत्यय और प्रत्यय इस प्रकार से जुड़ते हैं हम उसी प्रकार से। उच्चारण का दे लीजिए, उत प्लस चारण, सधर्म का सत धन धर्म, संगम का सम धन गम, चिरायु का चिरधन आयु। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, वीडियो को रोक कर लिख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर, मुहावरे। ओके, यहाँ पर आप लोगों के सामने मुहावरे हैं, फूला न समाना, यानी फूला न समाना इसका क्या है, अत्यंत प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग, राम अपने छोटे भाई को देखकर फूला न समाया, क्योंकि राम अपने छोटे भाई को, कहीं उसका भाई होगा वो आया तो वो इतना खुश होगा कि फूला नहीं समाया। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना, यानी वाक्य प्रयोग, छात्र परीक्षा के समय पर खून पसीना एक कर देते हैं, ये बहुत रियल बात है। जैसे अभी आप लोगों का पेपर चल रहे हैं तो आप लोग बहुत मेहनत करते हैं पेपर करने के लिए, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं वीडियो को। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 12 को, तो आप लोग प्रश्न क्रमांक 12 में कुछ नहीं है, यहाँ पर आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर का लिख दिया मैंने, जैसे यहाँ पर लिखना था सही बात, आज मैंने यह फिल्म पहली बार देखी है। ओके, इस प्रकार से आप लिख लीजिए। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की ओर। प्रश्न क्रमांक 13 में आप लोगों को एक कहानी बनानी थी, किसी भी ऊपर ही बना सकता हो, जैसे मैंने ये कहानी बनाई है। एक बहुत पुराना गांव था जिसमें एक बूढ़ी काकी रहती थी, उस गांव में एक बड़े धनवान व्यक्ति के यहाँ शादी थी, तो उस गांव में शादी में आए न्योता मिला, मतलब उस शादी में न्योता मिला तो सभी गए। वहाँ खाने में कई तरह के पकवान बने थे, जैसे कचौरी, जलेबी, रसगुल्ला आदि बना था। वहाँ बूढ़ी काकी ने भोजन किया और घर आ गई। वहाँ बहुत सारे मेहमान भी आए थे, उन मेहमानों को देखकर काकू को बहुत अच्छा लगा। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक कर अच्छी तरह से लिख लीजिए। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 4 में आप लोग देख लीजिए, इसमें लिखना था आप लोगों को क्या, पानी के महत्व। तो पानी के महत्व आप लोग जान सकते हो कि क्या क्या होता है। अगर आप लोग अपने मन से भी लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, और आप लोगों को लिखना चाहिए मन से, मगर फिर भी मैंने सोचा कि बना दूँ इस पर लिख दूँ, तो आप लोग लिख सकते हो जिस प्रकार से मैंने लिखा है, वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। जैसे मैंने लिखा है, जल ही जीवन है, जल अनमोल भी है, जिसका कोई मोल नहीं है। ओके, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए हम लोगों को जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ में हमें जल स्वच्छ रखना चाहिए, चाहे वो जल हर घर या तालाब, नदी, झीलों का हो। अगर आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जल को गंदा करते हैं, जैसे कंपनियों द्वारा निकलने वाला मलबा, गंध, पानी। इसलिए हम लोगों को जल को स्वच्छ रखना चाहिए। ओके, इस प्रकार से आप जल के महत्व हो गया, आप लोग वीडियो रोक कर अच्छी तरह से लिख लीजिए। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की ओर। यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रश्न क्रमांक 15 है, यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना था है, संवाद लिखना था। क्या संवाद, इस प्रकार से आप देखें, यहाँ पर आप लोगों के सामने दो ऑप्शन थे, या तो आप लोग डॉक्टर और मरीज के अंतर्गत लिख सकते थे, या दो मित्रों के बीच लिख सकते थे। अब आप लोग समझ रहे, दो मित्रों के बीच
क्या क्या होता है, मतलब कि उनके बीच का संबंध लिखिए। तो आप यहाँ पर मैंने दो मित्रों के बीच लिखा है, जैसे यहाँ पर मोनू और सोनू के बारे में लिखा है। तो मोनू कह रहे हैं कि सोनू मुझे अपनी साइकिल दीजिए। ठीक, तो सोनू क्या बोला है, क्या तुम्हारे पास साइकिल नहीं है? तो मोनू बोले, नहीं मेरे पास साइकिल नहीं है। सोनू बोले, तुम्हारी साइकिल कहाँ गई? मोनू बोले, मेरी साइकिल मेरे पापा ले गए। इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हो, या आप लोग अपने अपने और अपने मित्र के बारे में के बीच में ही लिख सकते हो। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की ओर। तो अपना 16वां क्वेश्चन का उत्तर ये रहा आप लोगों के सामने। इस 16 वाले क्वेश्चन में आप लोगों को अपने बारे में लिखना था, यानी प्रतिदिन आप लोग क्या करते हैं। तो जैसे मैंने लिखा है, मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठता हूँ और घूमने जाता हूँ और व्यायाम भी करता हूँ। मैं और दूसरे में लिखा, मैं प्रतिदिन खेलता हूँ और पढ़ाई भी करता हूँ। इस प्रकार से वीडियो को रुका आप लोग लिख सकते हैं। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 17 में आप लोगों को क्या लिखना है, प्रेमचंद जी का जीवन परीक्षा लिखना है। जीवन परीक्षा भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो आप लोग यह देखना है, इनकी रचना लिखना है। पहले दो रचना लिखना है, गोदान, कर्मभूमि, गबन आदि। मैंने तीन लिखी, आप लोग दूर भी लिख सकते हो। भाषा मेरे आप लोग प्रेमचंद जी की भाषा दो रूप है, एक रूप तो जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है, दूसरा जिसमें उर्दू, संस्कृत और हिंदी के व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे पीर का मजार। इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और लिख लीजिए। बढ़ते हम इसके थोड़ा और आगे। तो प्रेमचंद जी के में ही आगे ये लिखना है, प्रेमचंद जी की भाषा चुलबुली है, मुहावरों और कहावतों का प्रयोग है, फूले ना समाए पैरों तले को चलना, इस प्रकार जी ने लिखी है। शब्दों ने भाषा को व्यवहारिक बनाया दिया है। ओके, उनकी शब्दों ने भाषा को व्यवहारिक बना दिया है। शैली, उनकी शैली में तीन मैंने लिखा है, जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। पहली शैली अब उनकी वर्णनात्मक शैली, इसमें आप लोगों को इस शैली का उपयोग प्रेमचंद ने घटनाओं और पात्रों के चरित्र चित्रण के बारे में किया है। ओके, दूसरी है विवेचनात्मक शैली, निबंधों में गंभीर विचार को व्यक्त करने के लिए इस शैली का प्रयोग किया गया है। तीसरी शैली आप लोगों के सामने है भावनात्मक शैली, मानव जीवन में संबंधित विभिन्न भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति है। इस प्रकार से वीडियो को रोक आप लोग इसकी शैली लिख लीजिए। अब रोक लीजिए वीडियो और लिख लीजिए। अब बढ़ते हम लोग साहित्यमय स्थान। तो साहित्यमय स्थान में आप लोगों को लिखना है क्या, प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य में युगानातकारी परिवर्तन किया, उनका साहित्य देश शक्ति और समाज के आगे मिसाल दिखाती हुई सच्चाई है। ओके, इस प्रकार से आप लोग देखें। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की ओर। तो 18 में आप लोगों के सामने व्याख्या है, जिस प्रकार से आप लोगों को किस प्रकार से लिखना है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। ये आप लोगों के सामने व्याख्या में आप लोगों को क्या लिखना है, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पर व्याख्या, ये आप लोग व्याख्या लिख लीजिए। अब तक थल थल में पहचान, इसकी व्याख्या। संदर्भ में आप लोगों को लिखना है, प्रस्तुत पाठ हमारी पाठक पुस्तक क्षितिज भाग 1 के बाखनामा पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता कश्मीरी कवित्ती ललहाद हैं। प्रसंग में इसमें ईश्वर की सर्व प्रसंग में आप लोगों को इसमें लिखना है, इसमें ईश्वर की सर्वव्यापकता तथा एकता के भाष में बतलाया गया है। बढ़ते हैं इसके आगे आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं व्याख्या। अब होगा संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, व्याख्या में लिखना आप लोगों को। कावित्री कहती हैं कि शिव तो सर्वत अर्थात सभी पदार्थों में विद्यमान है, चाहे हिंदी धर्मावलंबी हो या मुसलमान हो, यानी चाहे धर्मात्मा हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, मगर ईश्वर सबके अंदर बसते हैं। उनकी ईश्वर की सत्ता में भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो एक है। यदि तुम स्वयं को ज्ञानी समझते हो तो पहले स्वयं को पहचानो, क्योंकि स्वयं को पहचानने पर ही परमपिता परमात्मा को पहचानना संभव है। रियल बात है, ये सही बात है। वह परमात्मा ही सब व्यापक है, अतः संप्रदाय आदि के नाम अनेक हैं तथा वह एक है। आप लोग वीडियो को लिख कर व्याख्या लिख लीजिए। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो लाता हूँ। आप लोगों को पता भी है कि मैं कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की पूरे रिवीजन टेस्ट करा रहा हूँ, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो एक लाइक तो बनता है। ओके, एक लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो अपने दो आपके दोस्त वगैरह हों। अगर आप लोग इसी प्रकार की वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो बढ़ते हम लोग प्रश्न क्रमांक 20 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 20 में आप लोगों के सामने ये रहा आवेदन पत्र। तो आवेदन पत्र आप लोगों को किस प्रकार से लिखना है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहले इतना मैं यहाँ पर आप लोगों को पहले ऊपर का समझा देता हूँ। तो पहले आप लोगों को यहाँ पर लिखना है सेवा में, फिर आप लोगों को यहाँ से इतना लिखना है यहाँ तक।
श्रीमान प्रचा महोदय जी, शासकीय हाई स्कूल पलेरा, जिला टीकम, मध्य प्रदेश। जैसे ये मेरा हो गया है, अब आप लोगों को यहाँ पर अपना नाम, स्कूल का नाम, अपने जिला का नाम चेंज करना है। विषय शुक्ल मुक्ति हेतु आवेदन पत्र, यानी इसमें पैसे से माफ़ करने के लिए लिख रहे हैं शुल्क मुक्ति। ओके, इस प्रकार से आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर यहाँ पर लिखना आपको महोदय, महोदय के आगे लिखना है, महोदय से लिखना आप लोगों को। जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, महोदय सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी किसान हैं, यानी किसानी करते हैं, करके घर का काम चलाते हैं, किंतु पिछले 3 महीने से वे अस्वस्थ चल रहे हैं, यानी तबीयत ठीक नहीं है। बिना आय के घर की आर्थिक स्थिति पूरी बिगड़ गई है। ये पूरी लिखा है, पूरी बिगड़ गई है। यही कहा है कि मैं विद्यालय की प्रवेश शुल्क जमा नहीं कर सकता हूँ। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरी स्थिति देखकर मुझे पूर्ण शुल्क मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इस प्रकार से आप वीडियो को रोक लीजिए और लिख लीजिए। और मैं इसके आगे बता दूं, वीडियो को रोक लिया, लिख लिया, इसके आगे है आप लोगों यहाँ पर लिखना है क्या, आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पर नाम लिखना है, यहाँ पर कक्षा, यहाँ पर दिनांक। ओके, तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 21, इसमें है गाद्यांश। आप लोग गाद्यांश पढ़ना होगा, पढ़ा हो भी होगा आप लोगों ने। तो पढ़ने के बाद उसका उत्तर कैसे लिखना है, इस प्रकार से पहले का उत्तर लिखना है आप लोगों को, गाद्यांश का शीर्षक जीवन संघर्ष है। ओके, दूसरे का लिखना है मनुष्य जीवन कर्म बल के कारण श्रेष्ठ है। ओके, तीसरा का लिखना है यह संसार कर्म करने वाले मनुष्यों के आधार पर टिका है हुआ है। ओके, चौथे में लिखना है देवता कर्म करने वाले मनुष्यों से ईर्ष्या करते हैं। तीसरे पाँचवें में लिखना है, सॉरी यहाँ पर नंबर गलत बोल रहा हूँ, इस पृथ्वी पर ईश्वर प्रदत्त वरदान मनुष्य रूपी है। इस प्रकार से आप लोग गद्यांश को अच्छी तरह से लिख सकते हो। ओके, अगर आप लोग किसी प्रकार का इसमें का क्वेश्चन छूट गया हो या कोई भी डाउट हो है, तो आप लोग हमें कमेंट जरूर करें कि सर ये यहाँ पर गलत हो गया है। और आप लोग कमेंट करें, ये भी जरूर बताएं कि आप लोगों का 24 तारीख का काय का पेपर है, यानी मंगलवार को कौन से विषय का पेपर है। मैं उसके ऊपर थोड़ा पढ़ लूँगा, तभी तो आप लोगों को अच्छी तरह से मैं बता पाऊँगा, ताकि आप लोग अभी कमेंट करें, ताकि मैं नाइट के समय में पढ़ सकूँ। ओके, अभी आप लोग कमेंट कर दीजिए पहले कि कल काय का पेपर है 24 तारीख को। ओके, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है आप लोगों के सामने, प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर। तो इसमें आप लोगों को रूपरेखा लिखना है, आपके पेपर पर भी हुए कई तरह की, तो आप लोग जो सी आप लोगों को रूपरेखा अच्छी लगे आप लोग भी लिख सकते हो। यही नहीं है कि मैंने जो लिख दिया तो वो आप लोग, अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग भी लिख लीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पर आप लोग इस सामने यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मैंने रूपरेखा 12 यानी 12 नंबर पर है रूपरेखा, आ नंबर पर है क्या, क्या जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी कमेंट कीजिए क्या है आ नंबर पर, आ नंबर पर है क्या निबंध। ओके, तो निबंध आप लोगों का जहाँ अभी निबंध के बारे में बता रहा हूँ, मैं पहले रूपरेखा के बारे में बता दूँ। मैंने लिखा रूपरेखा मेरा प्रिय मित्र, क्या मेरा प्रिय, मेरा यानी मेरा प्रिय दोस्त। तो आप लोग दोस्तों, जैसे दोस्त तो हर किसी का होगा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, यानी लड़कियों की सहेली होगी और लड़कों के सहेला, यानी सहेला यानी मनी मित्र। ओके, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। तो आप लोगों को अपने मित्र के ऊपर लिखना है कोई भी प्रस्तावना, प्रस्तावना जानते हो हेडिंग। तो आप लोग अपने मित्र के ऊपर हेडिंग किस तरह से लिख सकते हो, जैसे मैंने पहले तो आप लोगों को पहली हेडिंग और दूसरी हेडिंग, किसी भी प्रकार के निबंध लिखो या किसी भी प्रकार का रूपरेखा लिखो, ये दोनों तो होती हैं, होती है कि नहीं। तो मैंने लिखा जैसे पहले प्रस्तावना लिखा है, फिर मैंने दूसरे में लिखा है मित्रता क्या है, यानी मित्रता के बारे में लिखना है इसमें कि मित्रता क्या है, मित्रता कैसे होती है। तीसरे में लिखना है मित्र की खुशी, यानी मित्र को किस बात से खुशी मिलती है कि हम उसे मारते हैं या हम उसकी कोई चीज़ छुड़ाते हैं, हम लोग लड़ते हैं झगड़ते या खेलते हैं उससे खुशी। चौथी के मित्र की पसंद, यानी मित्र की पसंद क्या क्या है, मित्र का खेल, मित्र को सब में ज़्यादा पसंद क्या है, कौन सा खेल पसंद है। छठवां है मित्र का परिवार, अब देख लीजिए मित्र का परिवार, जैसा आपका परिवार हो वैसे मित्र का, अब मित्र के परिवार में आप जाते हो तो किस तरह से वो व्यवहार करते हैं, कैसे उनके परिवार का था। तो इस प्रकार से आप लोग अपना रूपरेखा लिख सकते हो। इसी प्रकार से लड़कियां भी अपनी सहेली या अपनी मित्र के बारे में लिख सकते हैं अपने मन से, अगर ये लिखना है तो ये भी लिख सकते हो। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 22 के आगे नंबर निबंध की ओर। तो निबंध आप लोगों के सामने ये रहा, तो मैंने निबंध में लिखा है विज्ञान का चमत्कार। जैसे आप लोग यहाँ पर देख लीजिए विज्ञान का चमत्कार, अब देख लीजिए आप लोग यहाँ पर विज्ञान का चमत्कार। तो आप लोगों के सामने विज्ञान का चमत्कार आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो पहले आप लोगों को क्या लिखना है, प्रस्तावना,
फिर दूसरे नंबर पर लिखना है, आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिए। दूसरे नंबर पर आप लिख सकते हैं विज्ञान के लाभ और विज्ञान से हानि, विज्ञान से लाभ हो गए, हानि हो गए, विज्ञान से लाभ हो गए, यहाँ पर इस तरह से आप लोग रूपरेखा लिख लीजिए, हानि लिख लीजिए, फायदे मतलब फायदा लाभ, विज्ञान क्या है, विज्ञान कैसे इसका आविष्कार हुआ, विज्ञान क्या कहलाता है, इस प्रकार से आप लोग रूपरेखा लिख सकते हो। और मैंने विज्ञान के चमत्कार का मैंने इसके अब वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि वीडियो मैंने सोचा पहले इतना डाल दूँ विज्ञान का चमत्कार हुआ। एक अगर आप लोगों का कमेंट आता है कि सर आप विज्ञान के चमत्कार पर भी लिखी बनाइए वीडियो, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा 2-3 मिनट का। तो मैंने सोचा कि इतना ही बना दूँ इसके, फिर बच्चे का कमेंट आएगा, बच्चों लोगों का कि सर विज्ञान का मैं भी चमत्कार पर विज्ञान के चमत्कार पर भी वीडियो बनाइए, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। आपके आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और विज्ञान का चमत्कार आप लोग वीडियो में चाहते हो तो हमें कमेंट करके बताएं, मैं एक वीडियो और बनाऊँगा। तो आप लोगों का एक क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन कहाँ से क्या था क्वेश्चन आप लोगों का, प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 22 तक कंप्लीट हो चुका है। कही थी मैंने, कहा था मैंने कि आपको एक ही वीडियो में पूरे प्रश्न उत्तर मिलेंगे, आप लोगों को अन्य चैनल की तरह नहीं मिलेंगे कि एक वीडियो ये है एक वीडियो ये है। अगर ऐसा भी डाल देते हैं हम कभी कभी, तो ऐसे में थोड़ा बच्चों को तकलीफ होती है कि कौन वीडियो कहाँ, फिर उसी में हम लोग 12 का डाल देते, उसी में 11 का डाल देते, ऐसे में छात्रों को होती है ढूंढने में तकलीफ। तो कुछ छात्र नहीं ढूंढ पाते, कुछ छात्र होशियार रहते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फोटोग्राफर डालने भी बेकार नहीं, अच्छा है, और अपने अपने पसंद है बच्चों को समझाने का। कोई का कैसा तरीका होता है, कोई का कैसा, जैसे मेरा तरीका एक ही वीडियो में समझाने का है, तो मैं ही ज़्यादा खुश यही करता हूँ कि एक वीडियो बने। तो आप लोग कमेंट करके बताएं, अगर विज्ञान के चमत्कार पर लोग चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोगों के पास गाइड वगैरह होगी उससे लिख लेना। तो थैंक यू, धन्यवाद।